जेल में सिर्फ मेरी बताई हुई दो चीज़ें मिलाकर लगा लीजिए, हफ्ते में दो बार आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी स्मूथ हो जाएंगे। अगर आपको भी विंटर्स आते ही ये टेंशन हो जाती है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, ड्राइनेस हो गई है, डैंड्रफ की समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको भी सर्दियों में फेस करनी पड़ती हैं, तो डेफिनेटली आज का मेरा वीडियो स्टार्टिंग टू एंड आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। अल्टीमेट रिजल्ट आपके सामने होगा। मैं आपको अपना बिफोर एंड आफ्टर दिखा रही हूँ उस वीडियो में, लेकिन आप भी अपना बिफोर एंड आफ्टर मुझे जरूर इंस्टाग्राम पे DM करके जरूर दिखाइएगा इसको अप्लाई करने के बाद कि आपके बालों में इसका क्या रिजल्ट रहा। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा @ishamehra और फेसबुक पे मेरा पेज है HealthTime। इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक खाली बाउल। अगर आपके पास प्लांट वाला जेल है तो बहुत अच्छी बात है, उसका आपने जेल निकाल लेना है, नहीं तो आप ट्यूब वाला यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी ट्यूब ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मेरी स्किन पर ये वाला ब्रांड का सूट करता है तो मैंने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे जो है ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप अपना जो भी आपको सूट करता है, सरसों का तेल या जो भी दूसरा ऑयल सूट करता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ प्रेफर करूँगी, विंटर्स में ना कोकोनट ऑयल का यूज़ मत करें, क्योंकि कोकोनट ऑयल क्या होता है, आपके बालों में रूट्स में जम जाता है विंटर्स में, तो जब आप उसको वॉश करते हैं और वॉश करने के टाइम जब वो नहीं निकलता तो आप बहुत इरिटेट होकर बहुत ओवर शैम्पू कर लेते हैं, जिससे कि जो आपके बाल हैं उनका जो नॉर्मल ऑयल होता है वो भी आप ख़त्म कर देते हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई हो जाते हैं, बहुत रफ लगते हैं। तो इसलिए आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करें या फिर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें या फिर आप बादाम के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लाइट होते हैं, जल्दी आपके बालों से ये निकल जाते हैं, ठीक है। तो मैं अपने बालों के अकॉर्डिंग इसमें 2 स्पून ऐड करूंगी, बहुत ज़्यादा ओवर ऑयलिंग भी आपको नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये विटामिन ई का कैप्सूल, ये भी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, क्योंकि इसको भी सेम मेरा फेस और बालों पे मैं बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ। विटामिन ई क्या करता है, आपके बालों में एक शील्ड खड़ी कर देता है, जैसे कि आप अपने फेस को बचाने के लिए आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही अपने बालों को धूल मिट्टी और यूवी रेज, धूप की किरणों से बचाने के लिए आपको विटामिन ई के कैप्सूल का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज ये आपके जो फॉलिक्स है जो आपके बहुत कमज़ोर हो गए हैं जड़ से, उनको ये स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, और उनको एक मजबूती प्रदान करता है, जिससे कि आपके बाल जल्दी से टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, उनकी क्वालिटी बेटर करता है, राइट। इसका जेल मैं इसमें ऐड कर लूंगी। अगर आपके हेयर की लेंथ मेरे हेयर से ज्यादा है तो आप इसमें 2 कैप्सूल्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें जेल ऐड कर देंगे और आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी स्मूथ हो गई है, कितना फाइन बन चुका है, एकदम जेल बन चुका है। बस इस जेल को आपने क्या करना है, अपनी रूट्स में, जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ अपने बालों की जड़ें, इस तरीके से आपने ओपन करनी है और इसको अप्लाई करना है। और आप इस जेल को अपने बच्चे के सर में भी ज़रूर इस्तेमाल करें, अल्टीमेट रिजल्ट आपको मिलेगा। अब बात आ जाती है कि इसको आपने लगाने के बाद क्या करना है, कब धोना है। देखिए, लगाने के टाइम आपने पूरा फ्री टाइम देना है, मतलब 15 से 20 मिनट आपने अपने हेड में मसाज करना है और कम से कम 3 से 4 घंटे आपको इसको लगा रहने देना है, उसके बाद ही आपको वॉश करना है। या फिर आप इसको ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं, अपने पिलो पर कोई भी आप पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। वीक में आपने 2 टाइम्स इसको अप्लाई करना है और उसके बाद में आप अपना नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें, लेकिन मेक श्योर जब आप इस रेमेडी को मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ बाहर का जंक फूड अवॉइड करें, क्योंकि जब हम जितना गंदा खाना खाएंगे उतनी ही गंदगी आपके शरीर में जमा होगी और वो गंदगी आपके जो बालों को प्रोटीन मिलना चाहिए, आपका पीएच लेवल मेंटेन होना चाहिए, उस सब चीज़ को गड़बड़ा देती है, जिससे कि आपके बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं। और सबसे बेटर चीज़ कि पानी ज़्यादा इनटेक करें, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान करें, हीटिंग टूल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, नॉर्मली अपने बालों को ड्राई धूप में कर लें, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरा ये प्यारा सा वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आपको पता ही है क्या करना है, मुझे बताना है कि कैसा लगा और बिफोर एंड आफ्टर की पिक जरूर सेंड करनी है। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।